नमस्कार, आप देख रहे हैं आरआरआई न्यूज और मैं हूं आपके साथ कंचन। चित्तौड़गढ़ शहर कोतवाली थाना क्षेत्र के चांतीखेड़ा में दो दिन पूर्व लापता हुए 9 वर्षीय बालक का शव पास ही के एक कुएं में तैरता मिला। बच्चे का शव मिलने पर ग्रामीणों और परिजनों ने एक युवक पर हत्या का आरोप लगाते हुए सख्त कार्रवाई की मांग को लेकर कलेक्टर पर धरना प्रदर्शन किया। जानकारी के अनुसार 9 वर्षीय आलोक मीणा दो दिन पूर्व लापता हो गया था, जिसकी पुलिस और परिजनों द्वारा गहनता से तलाश की जा रही थी। पुलिस टीम द्वारा अनुसंधान के दौरान सीसीटीवी फुटेज में उक्त बालक एक समाज विशेष के युवक के साथ जाता दिखाई दिया, जिस पर पुलिस ने युवक को डिटेन कर उससे पूछताछ की, जिसमें उसने बालक का शव कुछ दूरी पर स्थित सुनसान कुएं में पड़ा होने की जानकारी दी। इस पर पुलिस ने आज प्रातः बच्चे का शव कुएं से निकालकर चिकित्सालय पहुंचाया, जहां परिजनों और ग्रामीणों ने आरोपी युवक को फांसी देने और बालक की मां को सरकारी नौकरी दिए जाने की मांग को लेकर जिला कलेक्ट्रेट में धरना प्रदर्शन किया है। जानकारी मिलने पर हिंदू संगठनों से जुड़े कई व्यक्ति भी मौके पर पहुंचे। कोतवाली थानाधिकारी तुलसीराम सहित आसपास के थानों से अतिरिक्त पुलिस जाब्ता बुलाया गया है। पुलिस उपाधीक्षक बुधराज के नेतृत्व में जिला कलेक्टर पर और चांपटीखेड़ा गांव में बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए तैनात किए गए। फिलहाल बालक का शव सावलिया जी जिला चिकित्सालय की मर्चुरी में रखा हुआ है।